गांव में कुछ युवकों के बीच मामूली कहासुनी होती है, उसके बाद गांव के कुछ गणमान्य लोगों के बीच पंचायत और समझौता, मगर गले मिलवाने वाले पंच उन लोगों के दिल मिलाने में नाकाम साबित होते हैं और फिर उसका खौफनाक परिणाम सामने आता है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं हामिद सैफी और आप देख रहे हैं Time 24 न्यूज। मेवात यानी आज के नूह के गाँव खेड़ा खलीलपुर निवासी आसिफ की 16 मई को उस वक्त गाँव के ही एक समूह के 14 लोगों ने अपने 15-20 अज्ञात साथियों के साथ लाठी डंडे और धारदार हथियारों से पीट पीट कर हत्या कर दी, जब आसिफ अपने चचेरे भाई के साथ सोना से वापस लौट रहा था। इस दौरान हत्याकांड के चश्मदीद यानी मृतक के चचेरे भाई राशिद और उसके परिजनों ने यह भी दावा किया था कि आरोपियों द्वारा आसिफ को कई गोली भी मारी गई थी। सोना से हमने मेडिकल स्टोर से दवाई ली, वहाँ से हमने दवाई लेके हम चले सीधे। हमने वो जखूपुर पास किया था और जखूपुर पास करने के बाद अचानक पीछे से एक गाड़ी की आवाज आई जिसने हमें पीछे से टक्कर मारी, और फिर टक्कर मारने के बाद आगे से जो गाड़ी आई उसने एक गाड़ी सड़क पे बिल्कुल आड़ी लगा दी। गाड़ी लगने के बाद हमारी उससे टक्कर हुई, फिर एक तीसरी गाड़ी ने हमें पीछे से साइड से टक्कर मारी। साइड से टक्कर मिलने के बाद जैसे हमने गाड़ी बढ़ाई, हमारी गाड़ी खड्डे में जाकर बदल गई। उसके बाद उसमें मेरे ही गांव के 7-8 बंदे जिन्होंने मुझ पे हमला किया। मुझ पे हमला करने के बाद जब मुझ में कुछ नहीं बचा, मुझे छोड़ा, मेरे भाई को उस गाड़ी से निकाला और उस गाड़ी से निकाल कर मेरे भाई को मार दिया और मारकर नगली के फार्म हाउसों में फेंक दिया, जिसमें कुछ बाहर के लोग उदा का, उसका नाम संदीप है, और एक भाई, एक लड़का है उसका जखोपुर का, जिसका नाम कालू सनोप राजन। इसके बाद आसिफ के परिजनों ने 14 नामजद समेत 15-20 अज्ञातों के खिलाफ अपहरण और हत्या का मामला दर्ज कराया, मगर मामले में इसलिए नया मोड़ आ गया क्योंकि सभी आरोपियों का किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक है, यानी आसिफ की हत्या के सभी आरोपी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र एक्टिव हो गए और उसे अभी तक भी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश जारी है। दोस्तों, इतना ही नहीं, घटना के अगले दिन ट्विटर पर आसिफ और आरोपियों के समर्थन में अलग अलग मैसेजेस ट्रेंड करने लगे। कहने का मतलब साफ है कि लोग घटना में पीड़ित और आरोपी के बीच का फर्क करने के बजाय धर्म का चश्मा पहनकर तैयार हो गए। YouTube पर वीडियो बनाने वाले कुछ यूट्यूबर भी इसमें पीछे नहीं हटे और तरह तरह के वीडियोज YouTube पर वायरल होते दिखे। इतना ही नहीं, इसमें असदुद्दीन ओवैसी, इमरान प्रतापगढ़ी और अमानतुल्ला समेत कई मुस्लिम नेता हरियाणा सरकार को घेरते हुए भी नजर आए। मगर क्या आसिफ की हत्या मुस्लिम होने की वजह से हुई? क्या हत्यारे आसिफ से मुस्लिम होने की वजह से नफरत कर रहे थे? इसका सच जानने के लिए Time 24 न्यूज का हिस्सा होने के नाते मैंने आसिफ के बड़े भाई से बात की। आसिफ के बड़े भाई पुलिस में हैं, उनकी ओर से बातचीत में जो भी बताया गया वो एक एक बात हम आपको बताते हैं। उन्होंने बताया कि उनके गाँव में हिंदू मुस्लिम की लगभग बराबर ही आबादी है। उनका परिवार होली दिवाली हिंदू परिवार के साथ मनाता है, जबकि गांव के हिंदू परिवार भी उनके साथ ईद मनाते हैं। उनकी ओर से बताया गया कि उनके मृतक भाई आसिफ और हत्या में शामिल कुछ लोगों के बीच पहले किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद आरोपी आसिफ से रंजिश मानते थे। हालांकि कहासुनी के बाद गांव के गणमान्य लोगों ने पंचायत कर उनके हाथ जरूर मिलवा दिए थे, मगर उसके बाद भी आरोपियों की शैतानी खोपड़ी में क्राइम की कोई और ही स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। नतीजतन एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले आरोपियों ने पास के गांव के कुछ और लोगों को भी इसमें शामिल किया और मौका पाकर 16 मई को घटना को अंजाम दे डाला। हालांकि इस दौरान उन्होंने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने पीड़ित परिवार को 5 दिन के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का भरोसा दिलाया था, मगर 10 दिन बीत जाने के बाद भी घटना के मुख्य आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। जबकि मृतक के भाई का आरोप है कि कुछ तथाकथित हिंदूवादी संगठन के लोग न सिर्फ आरोपियों को संरक्षण दे रहे बल्कि
अभी तक घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान उनकी ओर से यह भी कहा गया कि आसिफ के लिए वो सब लोग भी वीडियो बनाकर डाल रहे हैं जो हमें जानते तक नहीं। वीडियो बनाने वाले लोगों की ओर से अनाप शनाप बातें की जाती हैं जो पूरी तरह तथ्यहीन होती हैं। उन्होंने अपील की कि अगर आपको कोई वीडियो बना रहा है तो पीड़ित परिवार से एक बार जरूर बात कर ले। दोस्तों, कुल मिलाकर मामला साफ है कि समूह ने आसिफ की हत्या रंजिश में की है, मगर पुलिस को चाहिए कि हत्यारोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे तथा पीड़ित परिवार की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों की भी पुलिस जांच करे और आरोप सही पाए जाने पर पुलिस ऐसे तथाकथित ठेकेदारों पर भी कार्रवाई करे जो जुर्म को धर्म का जामा पहनाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने पर तुले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।